रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत आफियत से होंगे। तो है चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अभी सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले नाश्ता करेंगे और नाश्ते में आज नान चने खाऊंगा। तकरीबन 2-3 हफ्तों बाद खाऊंगा। लास्ट टाइम रमज़ान में लेने गया था, यही कोई आखिरी रोज़ा था 30वां, तो नहीं मिले थे। मैंने व्लॉग बनाया भी था उसका। तो इतनी तेज़ धूप है और इतनी गर्मी है ना, उसको बात होगा। कल ना मैं फेसबुक पर ये पता नहीं न्यूज़ पे पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा था कि रेस्क्यू ने कहा कि अपनी जो फ्यूल टंकी है ना, मतलब कि बाइक की या गाड़ी की, वो हाफ से भी नीचे रखें। यानी कि इतनी गर्मी है, उन्होंने कहा कि टंकी मतलब कि ना फट सकती है, आग लग सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इतनी गर्मी यानी कि पड़ रही है और फुल गर्मी है, वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है। उस तो बाद मैं हाजी परवेज, जो कि मेरे फेवरेट चने मुझे बहुत पसंद हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह दुकान जो सी है ना पूरी प्रॉपर तैयार कर ली है। जब पहले मैं आया था ना इनकी वीडियो बनाने, तो इतनी प्रॉपर तैयार नहीं थी, मगर माशाल्लाह मैंने पूरी दुकान जो सी है ना तैयार कर लिया। और ये सब बैठे हुए हैं सर, क्या चला, ठीक ठाक है? दोबारा देख लेंगे। फैसल भाई नाम है इनका, फैसल भाई, ठीक है। वहीं से चने लेते हैं और चलते हैं घर। ये रहा अपना नाश्ता, नान चने, ठीक है, और ये ठंडी लस्सी, हाय 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 हाय, मज़ेदार। ऊपर मलाई नहीं है, मलाई नहीं है, ठंडी, मज़ा आएगा लस्सी पीने का। कूलर इसके अंदर हैं, देखिए 3 फंक्शंस। एक एयर स्विमिंग, यानी कि इसकी जो विंडोज़ वगैरह आप उसको भी मूव कर सकते हो, और ये पंप, और ये हाई, और ये लो। वाकई बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कि ना देखिए लिखा भी हुआ ना आई बॉस के साथ एसी जैसी ठंडी हवा, वाकई बहुत मज़ेदार है ऐसी। ये देखिए ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर आप बर्फ़ भी डाल सकते हो, मतलब कि जो घर में आपने फ्रीज की होती है। और उन्होंने ना साथ ही केमिकल्स की ना बोतल दी है, ये पता नहीं ब्लू कलर का, मुझे लगा शायद रात के हम इसको ओपन किया ना हमने, तो मुझे लगा शायद ये वो नील है जो कपड़ों को लगाते हैं, मगर पापा ने कहा नहीं ये केमिकल है, इसको फ्रीजर में रख के ठंडा करना है। ठंडा करके ना फिर आपने एक बोतल अंदर पड़ी है और एक ये है, तो इसको आपने लगा के फिर ऐसी ठंडी हवा देकर के एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और वाकई वो जो दूसरे वाले कूलर है ना, जो मतलब कि हाल ही वो पानी डाली, जो वो पानी डाल के जिसके अंदर पंप वाले दूसरे कूलर हैं, उनका इतना मज़ा नहीं है जितना इनका मज़ा है। वाकई बहुत मज़ेदार, रात को मैं चादर लेके सोया हुआ था, ये मुझे लगा चाहे कोई अजीब सी चीज़ है, मगर पापा ने कहा नहीं ये केमिकल देते हैं साथ में, अगर ये, और अगर आपने ये नहीं ना डालना, तो इसकी जगह आप बर्फ़ की वो छोटी छोटी वो क्यूब्स या उसको पीस करके आप यहाँ डाल दो, तो ठंडी हवा आएगी, ठंडी यख। अस्सलामु अलैकुम सर जी, क्या चल रहा, ठीक ठाक है? खैर जी, मैं अभी आया हूँ गंदम पिसवाने के लिए। ये गंदम साफ हो रही है और वहाँ से आटा मतलब के पीस के निकली जा रहा है। जूनसा ना, ये गली का जूनसा है ना, ये गटर हो गया बंद, ठीक है। इसका जूनसा पानी है ना, एक तुम्हारा अंदर वाला सेना है, एक बाहर, नहीं सॉरी, एक बाहर वाला सेना, एक अंदर वाला। तो ये जो अंदर वाला सेना ना, इसका पानी जूनसा है ना हमारी अंदर वाले सेने में बैक आ रहा है। तो खैर अभी जमादार को लेके आते हैं, वो उसको आके खोलता है। 3 गली में ना गटर हैं, मगर बंद यही होता है ना। ये देखिए ये बैक आ रहा है, ये सारा वो नाली से ना, वो जो नाली है ना वो सारा बैक आ रहा है। तो अब वो बाइक खोलने आए हैं, तो अब नहीं आएगा। खैर जी, मुझे ना कुछ क्वेश्चन मिले हुए हैं, ठीक है, तो उर्दू के याद करने के लिए, मगर ना मुझसे उर्दू मुझे इतनी पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि उर्दू मुझे याद भी नहीं होती है इतनी कोई, और लिखने में भी ना मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करता हूँ। उर्दू मुझे इतनी पसंद नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो इंग्लिश मुझे बहुत जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। इंग्लिश लिखने में भी आसान है और याद करने में भी ईजी होती है, वो जल्दी याद हो जाती है, मगर ये नहीं याद होती है। तो बड़ी कोशिश की है, मगर कुछ क्वेश्चन जो उनसे ना वो हो गए याद, और कुछ अभी नहीं हो रहे, मतलब कि क्वेश्चन याद नहीं हो रहे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएंगे, ठीक है। तो उर्दू बिल्कुल नहीं पसंद है, उर्दू का तो याद नहीं हो रहा,
तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि हम इंग्लिश के क्वेश्चन याद कर लेते हैं, उर्दू का याद नहीं हो रहा है। बड़ी क्लास हो गई है, बंदा अपने पास से भी लिख सकता है, मगर थोड़ा बहुत तो मतलब कि जो कंसेप्ट है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। चलो इंग्लिश का याद कर लेते हैं। और इधर हमारे घर आज भिंडी है, भिंडी आया आया, ये खट्टी बहुत नहीं अम्बियाँ ये वो है, ये डालेंगे इसके अंदर नाम लेंगे और ये और मज़ेदार बनेगी। आया मज़ा आए मज़ेदार जी। अभी मेरे साथ बहुत बुरी हुई है तकरीबन, हाँ थोड़ी देर पहले मैं गया हूँ उसको बुलाने, ये जमादार नहीं आए मतलब कि जो गटर खोलने आए थे उनको बुलाने गया हूँ। तो मैंने कहा यार मैं ना ये मतलब कि ना यार हमारे घर से ना रास्ता अंदर को जाता है, मैं बाहर जा रहा हूँ तो वो ना रास्ता वन वे था, मेरी गलती थी मैंने मान ली। तो वो वन वे ना आगे ना अच्छी भली मैं ना बाइक चला रहा हूँ, भी बाइक पे आ गया वाल्टन जो चलान वगैरह नहीं करते वो आ गया। अब वो आ गया कहता चलो जी बाइक का चलान होगा, मैंने कहा यार ये पास तो मेरा घर है मैं किसी काम से निकला हूँ, नहीं भाई जान कोई चक्कर ही नहीं है चलान होगा चलान होगा। मैंने कहा मैंने एक्सक्यूज़ की, मैंने कहा यार मेरी गलती है मैंने मान लिया। कहता नहीं भाई चलान होगा, आईडी कार्ड मैं आईडी कार्ड घर से लेने आया, पास तो था बिल्कुल, उसने मेरा 2000 रुपये का चलान कर दिया। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है अभी, मैंने कहा बाकी सब भी तो गुजर रहे हैं ना, वो भी मेरे सामने तीन चार बाइकें ना चार पांच बाइकें जो उनसी है ना वो वन वे गई हैं, हालांकि उसने उनको रोका भी नहीं है। और जब मैंने उससे ये बात की ना, मैंने कहा वो देखो भी तो वन वे जा रहे हैं ना, आप उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं, नहीं हम नौकर थोड़ी हैं, हम ये थोड़ी हैं, हम फलान थोड़ी हैं, हम पाइना पी हैं, हम भी इंसान हैं। तो मैंने कहा मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मैंने कहा मैं इंसान नहीं हूँ, आप इंसान हैं। तो देखा जाए तो ये गलत बात है, सबको बराबर के यहाँ पर ना देने चाहिए आपको, इधर पता ही कोई नहीं किसी को, गलत बात है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है, मैंने अपनी गलती भी मानी है, ये चलान भी ठीक है उनका राइट है कि उन्होंने मुझे रोका है अच्छी बात से, मगर सबको देखा जाए तो सब गुजर रहे हैं वहाँ से वन में, तो उनको भी तो रोके ना फिर, ये तो मेरे साथ गलत ज्यादती की है इन्होंने, मेरे साथ ज्यादती हुई है, बुरा हुआ मेरे साथ ये। तो खैर चलान अब जमा करवाऊँगा तो अपना आईडी कार्ड लेके आऊँगा। इसकी ना गिल्स जो सी है ना वो बहुत हुई हुई है गंदी, ठीक है। और इसको खोलते हैं, और खुल जा ये खुल गया, वो कितना कट्टा लगा होगा, बहुत ज़्यादा डस्ट आराम से नहीं तोड़ा नहीं है वो पैसे कुछ है। चलो इसको निकालते हैं ऐसे यहाँ से। ये जो बिरयानी है ना ये आई है मेरी बहुत ही प्यारी आंटी है उनके घर से आई है, जो कि ये मेरी छोटी बहन है ना सारी अंदर से ना चुंगे मार मार के ये खा ली है, बहुत बदतमीज़ है ये, ठीक है। मतलब कि इसको ना तो मैनर्स नहीं आया खाना खाने के, ठीक है। ये देख नहीं रहे आप ये हड्डियाँ ये सारी खा के इतने अंदर फेंकी हुई है, बहुत मजाक छोटी बहन तेरी। अब खाना वगैरह मैं खा लूँ, ठीक है। और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आई क्योंकि मैं सुबह का उठा हूँ, आज मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो खैर आज का जो हम सब व्लॉग है ना वो ख़त्म करते हैं। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आता है इसको लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ना एंड तक पूरा देखा करो, शुरू से लेकर ना एंड तक पूरा देखा करो, और सब्सक्राइब भी किया करो, और कमेंट्स तो मैं आपको दोबारा कहूँगा, तीन दफ़ा कहूँगा कमेंट्स लाज़मी किया करो, ठीक है। तो ओके अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।